हम लोग खाना खिलाया जा रहे हैं, देख रहे हैं कि बहुत सारे बाढ़ पीड़ित लोग हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, गार्जियन हैं, वो लोग आ रहे हैं और शिविर का लाभ ले दे रहे हैं बेटा। हाँ थोड़ा चावल, हाँ आ जाओ बाबू। हाँ इसी तरह है जो कि निरंतर सेवा चल रही है, देख रहे हैं कि ट्रैक्टर पे आप देख रहे हैं ट्रैक्टर पे आ रहे हैं जा रहे हैं, पूरा एकदम और हम लोग को ये सब मिला रहे हैं। हाँ आ जाओ हो जाओ। बहुत त्रासित है इस इलाके के लोग, पूरा पानी से जल जमाव है, लोगों के घरों में पानी का जमाव हो गया है, किचन तक सुरक्षित नहीं रह गया है, वैसे स्थिति में लोगों को खाना खिलाने का कार्यक्रम कर रहा है। काफी तक कार्यक्रम चलेगा आपको जब इस तक इस इलाके का जब तक जल जमा का है, ये है आपका मलाही पकड़ी चौक जो है कुम्हरार विधानसभा में आती है और मलाही पकड़ी चौक बोलते हैं। से कितना दिन तक कार्यक्रम है ये? कल से हम लोग कल 1:30 से स्टार्ट किए हैं और अभी तक लगी जारी है और आने वाले दिनों में अभी जारी रहेगी जब तक लोगों को जल जमाव से निजात नहीं मिल जाती है। लोगों को अपने अपने घरों में खाना जब तक बनने नहीं लगता है तब तक ये कार्यक्रम जारी रखेंगे। कितने लोगों को खिलाने की व्यवस्था है? देखिए ये गिन के खाना नहीं खिलाया जा रहा है, अनगिनत लोग आ रहे हैं, भीड़ लग रही है और खाना आप देख रहे हैं और गिनती तो किया जा नहीं सकता है, गिनती करके खाना नहीं खिलाया जाता है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और दल से भी जुड़े हुए हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए यह कोई चुनावी या राजनीतिक लाभ के लिए यह कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी पार्टी का बैनर फ्लैक्स नहीं लगा हुआ है और न ये राजनीति से प्रेरित है। यह मानवता के आधार पर और मानवीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। हम पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं प्रदेश के, और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और दल के लोगों को? देखिए राजनीतिक करना पूरी जिंदगी बचा हुआ है, राजनीतिक होते रहेगी, लेकिन इस समय किसी भी राजनीति करने का वक्त नहीं है। और लोगों को हम तो चाहेंगे कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी कोई आगे बढ़कर इस काम को करें और राजनीति को कुछ दिनों के लिए भूल जाएं। मैं रंजीत कुमार चंद्रवंशी